गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा किया था एंड सोशियोलॉजी सेकंड पेपर के बारे में चर्चा किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द थर्ड पेपर ऑफ सोशियोलॉजी आप बीए थर्ड ईयर, दैट इज नोन एज अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। यह आपका नगरी और औद्योगिक समाजशास्त्र के बारे में है। इसमें भी आपका सेम पैटर्न होगा, यह चूँकि लेटेस्ट जोड़ा गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी आपको कम जानकारी होगी। और ओवरऑल आते हैं, इसका जो पैटर्न होगा सेम होगा। पार्ट वन या पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होंगे जिसकी शब्द सीमा होगी 150 वर्ड्स। यह प्रत्येक प्रश्न 6-6 मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स आप 10 क्वेश्चन विल बी 60 मार्क्स। तो इसमें यह कुल मिलाकर आपका 60 मार्क्स का यहाँ भी आपका क्वेश्चन होने वाला है, सेम पैटर्न जो पहले था। ओके, चलिए चर्चा करते हैं। इसमें जो आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 क्वेश्चन करना है, जिसमें से पहले चर्चा करेंगे। वन, पहला क्वेश्चन हो सकता है औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है या औद्योगिक समाजशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। तो ये पहले सेगमेंट में आपको 150 वर्ड्स लिखना है, 150 शब्द, 150 औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन चर्चा करेंगे, सेकेंड हो सकता है इसमें औद्योगिक संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दूसरा हो जाएगा आपका औद्योगिक संगठन की विशेषताएं, ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे, 3 में आपका आएगा बाल श्रम की समस्या और निवारण। भारत में बाल श्रम, या पूछिएगा बाल श्रम क्या है, इस पर लिखिए चाइल्ड लेबर, बाल श्रम की समस्याएं व निराकरण, रेमडीज, निराकरण। और क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 आपका हो सकता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह है आपका जात की प्रमुख विशेषताएं। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 यही देख लेते हैं, 5 इधर देख लेंगे, जैसे हो सकता है जाति और वर्ग में अंतर, जाति व वर्ग में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, वर्ग में प्रमुख अंतर। एंड 5वां क्वेश्चन आपका हो सकता है वह है महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है, इसके लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, आपको हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन आपका हो सकता है महिलाओं के प्रति हिंसा, और हो सकता है कि आपका 8वां क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय महिला आयोग पे बताइए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, इसका संगठन कब आया, हाँ इसके ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये सब आप बता सकते हैं। अगला है नगर नियोजन के प्रकार, 9वां है नगर नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ टाउन प्लानिंग, नियोजन के प्रकार क्या होते हैं या नगर नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। और 10वां क्वेश्चन आ सकता है आपका वह है प्रवसन, जिसे कहते हैं माइग्रेशन, तो एक माइग्रेशन में भी क्वेश्चन पूछा सकता है, या तो आपका सीधे ये कवर हो सकता है महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संकट क्या है, या ग्लोबल वार्मिंग पूछ सकता है, चिपको आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, तो 11वां आ सकता है चिपको आंदोलन पर लिखिए, चिपको आंदोलन। अगला एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो सकता है वह है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेगा पार्क का महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित रही है नमामि गंगे आदि कर सकते हैं। मलिन वस्तुओं में सुधार और उन्मूलन जा सकता है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, मलिन बस इतना कीजिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मरीज वस्तु पर हमने बड़ा वाला क्वेश्चन देखा है, तो उस वहीं पर आपका काम हो जाएगा, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी की चर्चा करेंगे, पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड में आपको, पार्ट सेकंड में आपको वन क्वेश्चन करना है, वन क्वेश्चन 800 वर्ड्स, 800 शब्द में लिखना है और इसका मार्क्स होगा 15 मार्क्स। टोटल हो जाएगा 60 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 75 मार्क्स। ठीक, ये हो गया। इसमें कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, पहला हो सकता है औद्योगिक समाज शास्त्र का अर्थ उसकी परिभाषा, या औद्योगिक समाज शास्त्र का अर्थ उसका क्षेत्र। तो एक क्वेश्चन पहला आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, औद्योगिक समाज शास्त्र का अर्थ परिभाषा तथा क्षेत्र क्या है, या तो ऐसे आएगा या पूछेगा औद्योगिक समाज शास्त्र का अर्थ और क्षेत्र बताइए, या परिभाषा और क्षेत्र, या तीनों एक साथ भी पूछ सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100% मिल सकता है, भारत में बाल श्रम की समस्या तथा उनके निवारण के उपाय। सेकंड क्वेश्चन, भारत में बाल श्रम की समस्या तथा उसके निवारण के उपाय, या उसके उन्मूलन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपका, पर्यावरण प्रदूषण पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो ये महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध या विस्तृत टिप्पणी, राइट नोट अंदर अंदर इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल प्रदूषण इन इंडिया। अब इसमें निबंध, इसमें क्या क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, कुछ इसकी परिभाषा बता दीजिएगा पर्यावरण की, हाँ प्रदूषण के प्रकार यहाँ बता दीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रकार प्रकार, और उसके बता दीजिएगा कुछ निवारण के उपाय उपाय हो गया। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा जिसमें पूरा का पूरा आ सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ख्याल से ये, और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, यही से आपका काम हो जाएगा। फिर भी एक चौथा क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, वो है आपका भारत में मलिन बस्तियों पर एक निबंध लिखिए। तो मलिन बस्तियों पर एक निबंध लिखिए, मलिन बस्तियों की समस्या निवारण। तो अब इसमें मलिन बस्ती क्या होती है, मलिन बस्तियों के प्रकार क्या होते हैं, मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या क्या हैं, मलिन बस्तियों को कैसे समाप्त किया सकता है, कैसे उनका निवारण किया जाए, तो पूरा पूरा एक सिस्टम हो सकता है। कभी कभी पूछ सकता है कि शहरी समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषा, लेकिन हमारे ख्याल से 4 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त होंगे। अगर मान लो कोई इसमें नहीं पढ़ा होगा तो कोई अगर चाहे तो एक क्वेश्चन यहाँ से अपना पढ़ सकता है, शहरी समाज शास्त्र का अर्थ परिभाषा, शहरी समाज शास्त्र का अर्थ व परिभाषा। ठीक, ये आपका मुख्य क्वेश्चन हुआ, शहरी समाज शास्त्र का अर्थ परिभाषा अंतिम क्वेश्चन है आपके। लेकिन हमारे ख्याल से जो हमको लगता है उसमें से आपको ये है कि आप कोशिश कीजिएगा, ये जो 2 क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक समाज शास्त्र ये क्वेश्चन और पर्यावरणीय प्रदूषण, हमको लगता है कि ये दो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम। तो ये जो हैं ये दोनों क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके, तो 2 पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड इसके बाद अगर आप एक दो अपने हिसाब से पढ़े हैं तो अलग बात है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।